हेलो 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 एवरीवन माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और आज जो गिग्स फॉलिड ने प्रॉब्लम द डे दिया हुआ है वो है फ्रैक्शनल नैपसेक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हम लोगों ने तो नैपसेक का प्रॉब्लम बनाया यानी कि जीरो वन नैपसेक और हाँ इसे जीरो वन क्यू बोलते हैं जीरो का मतलब कि आप उस आइटम को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दोगे और वन का मतलब है कि आप उसको कंप्लीटली इंक्लूड करोगे ठीक है यानी कि पूरी तरह से उस आइटम को या तो लेना है या तो फिर छोड़ना है तो जीरो वन नैपसेक मेनली प्रॉब्लम क्या होता था जब हम लोग के पास एक बोट रहते थे और पीपल रहते थे हमें उस इंसान को क्या करना है या तो उस बोट में रखना है या तो फिर उसे हटा देना है वहां पर ब्रेक का कंसेप्ट नहीं आता था लेकिन मान लो कि आप कोई सामान है अब या फिर बैग ले लो बैग में आप क्या कर रहे हो 50 के का बैग लेकर के गए हो मार्केट यानी कि 50 के का सामान ले सकते हो अब जो है सामने आपको 10 के सपोज आलू दिया हुआ है 20 के जीज टमाटर दिया हुआ है 30 के जीज कुछ भी अलग अलग फ्रूट्स दिया हुआ है ठीक है एप्पल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है फिफ्टी के ही लेना है तो हम तो वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ना यानी कि वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि आप क्या करो 30 के का दाम अगर 120 है आप मुझे 10 के दे दो तो आप टेन के का दाम लगा सकते हो राइट यहां पर आप ब्रेक कर सकते हो तो इसी में आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका फ्रैक्शनल नैप्स का समझ गए फ्रैक्शनल नेपसेक क्यों आया बढ़िया अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखो अगर हम लोग इस एरे को ध्यान से देखें टेन ट्वेंटी थर्टी और यहाँ पे सिक्सटी हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी सबसे पहले तो आप इसको सॉर्ट करोगे सॉर्ट करोगे किसका इस दोनों को सॉर्ट करोगे वैल्यू के हिसाब से यानी कि फ्रैक्शन के हिसाब से वन के जी वेट का क्या वैल्यू है उसके हिसाब से आप इसको सॉर्ट करोगे तो वन के जी का क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा सिक्स रुपीज दूसरा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी यानी कि फाइव रुपीज और लास्ट वाला जाएगा थर्टी वन ट्वेंटी डिवाइड बाई थर्टी यानी कि फोर रुपीज़ तो ये मेरा डिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है डिसेंडिंग right? ऑर्डर में ही दिया हुआ यानी कि यह सॉर्टेड है सॉर्टेड ही है तो हम लोग ऐसे ही करके इंक्लूड करेंगे यानी कि सबसे पहले हम लोग किसको ग्रेटर वाले वैल्यू को इंक्लूड करेंगे क्योंकि मेरा वैल्यू मैक्सिमाइज होना चाहिए मैक्सिमम टोटल वैल्यू होने चाहिए समझ गए तो अगर मुझे ये सॉर्टेड दिया हुआ है और हाँ ये हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे दो एरे को तो यहां पर आता है कंपेरिजन सॉर्ट मैं आई बटन पर दे देता हूं लिंक आप जा करके जरूर देखना छोटा सा वीडियो है लेकिन कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे दो एरे को सॉर्ट करना है तो वैसे किस मैथड से सॉर्ट कर सकता हूँ और हाँ हमारे यहाँ पे वो जो एरे है वो आइटम है और आइटम क्या है एक स्ट्रक्चर है जिसके पास वैल्यू और वेट है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को ही शॉर्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एरे को बहुत ही सिंपल वे में शॉर्ट करेंगे आप देख लीजिएगा ठीक है शॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे हम लोग देखेंगे वेट को हम लोग एक मान लेंगे करंट वेट जो कि मेरा अभी जैसे ये 10 को पहले इंक्लूड करेगा जैसे ही 10 को इंक्लूड किया हम लोग देखें क्या ये 50 से बड़ा हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ है फिफ्टी के बराबर भी नहीं यानी कि ये वैल्यू मेरा आंसर में चला जाएगा तो मैं लिखूंगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर में हो जाएगा सिक्सटी को इंक्लूड करना है बढ़िया अब देखो जब दूसरी वाली वेट के पास गए हम लोग चेक कर रहे हैं क्या टेन प्लस ट्वेंटी इज ग्रेटर देन नहीं है तो हम लोग ट्वेंटी को भी करंट वेट में इंक्लूड करेंगे और साथ साथ उसके वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे लेकिन जैसे ही आ जाता है कंसेप्ट थर्टी का जैसे ही थर्टी को इंक्लूड करेंगे मेरा करंट वेट हो जाएगा सिक्सटी लेकिन मेरे बैग में तो फिफ्टी के जी आ सकता है अब आ गया कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोगों को करना है ब्रेक द आइटम यानी कि फ्रैक्शन निकालना है फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे हम लोगों को पता था कि वन हंड्रेड ट्वेंटी एक के जी का हमारे पास अभी कितने के बचे हैं तो टोटल वेट में टोटल वेट कितना है 50 अगर मैं इसको करंट वेट को माइनस कर दूं यानी कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग को मिल जाएगा 20 राइट right? 50 माइनस थर्टी दैट इज 20 तो मुझे 20 केजी पता है कि हमें और चाहिए और पर जी का दाम भी पता है वन हंड्रेड ट्वेंटी यानी कि फोर मुझे पता है तो मैं बोल सकता हूं कि ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फोर दैट इज एटी विल बी माय नेक्स्ट वैल्यू जिसको हम लोग ट्वेंटी के करके कंप्लीट करने वाले हैं तो मेरा करंट वेट भी फिफ्टी के बराबर हो गया और मेरा करंट वैल्यू जो है वो भी मेरा फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हुए टू हो गया विच इज द आंसर जो आप देख सकते हो बस इतना ही हम लोगों को करना है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सबसे पहला आ जाता है स्टेप सॉर्ट करने का तो हम लोग करेंगे अपने एरे को सॉर्ट यहाँ पे हमें एरे दिया हुआ है ना तो ए आर आर कॉमा ए आर आर के साइज को एन साइज हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग लिखेंगे अपना एक कस्टम सॉर्ट फंक्शन अब कस्टम सॉर्ट क्या करेगा हमने देखा ना कि हमें पहले यूनिट वैल्यू निकालना है और इसी को कंपेयर करना है तो बस यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टैटिक बुलियन और ये सब मैंने कैसे लिखते हैं ये मैंने कंप्लीटली उस वीडियो में बताया है तो आप जाकर के एक बार जरूर देखना और हम लोग क्या करेंगे यहां पर

किस से वी बी डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई बी डॉट वेट से मतलब हम लोगों ने पर यूनिट का वैल्यू निकाल लिया और हां हम लोग को डबल में चेक करना है अदरवाइज ये इंटीजर रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको कर देते हैं टाइप कास्ट डबल और इस पूरे को हम लोग ले लेते हैं एक ब्रैकेट में यहां से लेकर के यहां तक ठीक है सिमिलरली यहां से हम लोग एक डबल इसको भी टाइप कास्ट कर देते हैं और लास्ट में एक ब्रैकेट दाल देते तो ये मेरा का का काम हो गया complete. अब मैं आपको बोलता ना ना कि पहले पहले लिखो का अभी देर के लिए भूल जाओ जीरो वन को बना दो कैसे करोगे आप सब पहले आप सबसे उसको करना है ना। क्या है मेरा वैल्यू है मैं जीरो से लेता हूं और हाँ मुझे करंट वेट भी चाहिए तो मुझे करंट वेट भी मैंने जीरो ले लिया सिंपली सब चलाएंगे मेरा प्लस प्लस होते जाएगा सिंपल हम लोग क्या करेंगे हर एक वेट को उठाएंगे चेक करेंगे कि क्या मेरा डब्ल्यू के बराबर हुआ है अगर नहीं हुआ है तो हम लोग उसको अपने आंसर में ऐड करेंगे मेरा काम खत्म ठीक है ये हो गया जीरो वन नैपसेट प्रॉब्लम एकदम सिंपल वे में हम लोग क्या लिखेंगे जो भी मेरा करंट है उसमें ऐड कर दो ए आर आर आई के वेट को और उसके बाद चेक करो कि क्या अभी भी ये मेरा लेस देन इक्व टू डब्ल्यू दिया हुआ है अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे किसको ए आर आर आई के वैल्यू को इतना सिंपल था और हम लोग हाँ करंट को भी तो बढ़ाएंगे ना तो करंट हम लोग का क्या हो जाएगा ए आर आर आई डॉट वेट हो जाएगा अब जैसे ये वेट इक्वल या फिर ग्रेटर हो जाता है हमारा ये फॉर लुक के बाहर आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे रिटर्न हमारा जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर देंगे काम हो जाएगा खत्म ठीक है आप चाहो तो यहाँ पे एल्स में ब्रेक भी कर सकते हो कि आगे हम लोग को एन के लिए ट्रैवर्स मत करना तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा अभी मेरा सिक्सटी और 100 को ऐड करेगा क्योंकि मेरा टेन ट्वेंटी वैल्यू 50 के अंडर है लेकिन जैसे ही 30 को इंक्लूड करेगा तो देखेगा कि ये 50 से बाहर आ गया है तो मेरा रिटर्न कर देगा कितना 160 तो ये हो गया जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम अगर मैं यहाँ पे कंपेरन रन करके दिखाऊं तो आप देख सकोगे कि, कि यहाँ पे वन आउटपुट आ रही है जो कि सही है जीरो वन के लिए लेकिन यहाँ पे तो मुझे चाहिए फ्रैक्शनल नैपसेक यानी कि आप मुझे ब्रेक द आइटम पे जाना है मुझे लास्ट वाले का यूनिट वैल्यू निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही ये एल्स पार्ट में जाता है यानी कि जैसे ही वेट मेरा बढ़ जाता है तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको मुझे तोड़ना है है और तोड़ करके रिटर्न कर देना उसके आगे मुझे लूप नहीं लगानी है है ठीक तो मैं बोलूंगा कि तोड़ करके भैया आप इसको रिटर्न कर देना अब तोड़ेंगे कैसे तोड़ना मेरा मेन है तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो वेट माइनस करंट है यही तो मुझे चाहिए तो मैं बोलता हूं कि मैं अपने ए आर आर आई के वैल्यू में ठीक है जो भी मेरा वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो किससे जो भी मेरा वेट बचा हुआ है यानी कि डब्ल्यू माइनस करंट वेट और इस पूरे को

एक्सक्लूड कर देते हैं और इसके बाद हमें ब्रेक करना है क्योंकि इसके बाद मुझे नेक्स्ट आइटम पर नहीं करना है ऑपरेशन क्योंकि यही मेरा फ्रैक्शन वैल्यू था क्योंकि अगर नेक्स्ट एलिमेंट को लेता तो ये एल्स में क्यों जाता ये तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता ना क्योंकि वो वे मेरा वेट के अभी भी लेस देन रहा था ठीक है तो हम लोग करते हैं अब कंपाइल एंड रन आई होप आपको समझ में आएगा कि एक लाइन से हम लोगों ने कैसे नैप्स प्रॉब्लम को फ्रैक्शनल नेपसेक में कन्वर्ट कर दिया हाँ यहां पर आ गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम देखते हैं डबल यहाँ पे डबल में एल छूट गया था कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंबाइल करके प्रॉब्लम को सबमिट करेंगे तो आप ये सबको ईजिली हैंडल कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर हमारा आउटपुट करेक्टली आ गया टू तो बस यही था आज का क्वेश्चन अब अगर हम लोग इसको सबमिट करें तो हम लोगों को आसानी से रिजल्ट सक्सेसफुल मिलेगा ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए गुड बाय स्टे बेस इट ए सेफ एंड कीप कोडिंग